के लोगों में बड़ा गुस्सा है। पिछले 40 सालों में धारावी के साथ में जो हुआ है उसके प्रति लोगों में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि 40 साल में यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, ना सड़कें बनी, ना शौचालय बना। आप धारावी के गली गली में घूमोगे तो आपको सिर्फ गंदगी दिखेगी, कचरा दिखेगा। अब यहाँ पे विकास के नाम पर यह पूरा धारावी जो है आदानी को दिया गया है, तो हम सबको विकास चाहिए, क्योंकि धारावी की परिस्थिति ऐसी है कि 100 स्क्वायर फीट में 6 लोग रहते हैं और एक सिंगल शौचालय जो है वो 250 लोग यूज करते हैं। इसके लिए मैंने धारावी को देने के लिए 6 गारंटियां बनाई है और वो 6 गारंटियां मैं सब यहाँ पे सभा लेके वीडियो के माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, धारावी करो क्या प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उसके सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम दिखाता हूँ और मैं मेरे माध्यम से सोल्यूशन बताता हूँ। तो ऐसे तरह से हमने अभी सभाएं शुरू की है। अभी कल चुनाव का आखिरी दिन है तो हमारी लगभग 2 सभा हो चुकी है। यहाँ की जो झोपड़पट्टी है वो राजीव गांधी नगर नाम है जिसका, जो मेरे पिताजी के कार्यकाल में बनाए। तो मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि भाई धारावी में जो लोग रहते हैं सब गरीब लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, और इन लोगों को घर जो है वो सबसे बड़ी इनकी संपत्ति है। तो हमेशा अगर तुमको कोई भी लड़ना है तो लोगों के घर बचाने के लिए लड़ना है। तो इसलिए ये पुनर्वसन प्रकल्प में हम यही मुद्दा लेके लड़ रहे हैं कि लोगों को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान और गोडाउन के बदले गोडाउन मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 सालों से यहाँ पे विकास तो हुआ नहीं। 2004 में यहाँ पे धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया और इस प्रोजेक्ट में कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2000 के पहले की लगाई। तो यहाँ की जो झोपड़पट्टी है ये 2000 के बाद की है, यानी ये पूरी झोपड़पट्टी कम से कम 15,000 झोपड़े है जो पात्रा पत्र के नाम पर यहाँ से उनको धारावी के बाहर भेजना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और जब हम गायकवाड़ परिवार को पूछते हैं कि 40 साल में आप लोगों ने क्या किया तो वो नारा लगाते हैं आदानी हटाओ धारावी बचाओ। अरे भाई, जब 20 साल से आप ही सत्ता में हो, आप ही मंत्री रह चुके हो, आप ही विधायक हो, पूरी पॉलिसी आपके कार्यकाल में बनी है, तो पहले तो हमको ये जवाब दो कि 40 साल में आपने क्या किया है। आप ये विकास के नाम पर, अदानी के नाम पर, अदानी के विरोध के नाम पर वोट मांगना बंद करो। ये सरासर धारावी के लोगों के साथ में धोखाधड़ी है। अब जो है यहाँ पे परिवारवाद जो है बड़ी जोश में चल रहा है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने अपने बहन को ज्योति गिरी गोसावी जिनका नाम है उनको यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो लोगों में बड़ा आक्रोश है कि हमने बाप को चुन के दिया, बेटी को चुन के दिया, अभी उसने अपनी बहन को खड़ा कर दिया है जिसका धारावी के कोई भी सामाजिक क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं है। तो लोगों में बड़ा गुस्सा है, वही गुस्सा हम लोग जगह जगह पे जाके निकालेंगे और ये गुस्सा आपको 20 नवंबर के चुनाव के दिन के समय पे दिखेगा, 23 नवंबर को बाहर निकलेगा। कांग्रेस की लेकिन फिर भी देखिए 40 साल से इन्होंने जो चुनाव किया वो हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर किया। इन्होंने कभी भी लोगों को विकास के नाम पर जो है वो वोट मांगा नहीं। विकास के नाम पर इन्होंने कभी भी लोगों को वोट नहीं मांगा और इसके वजह से धारावी की ये परिस्थिति हुई है। और अभी भी जो है वो वोट मांग रही है धारावी को अदानी से बचाने से। अगर आप ये टेंडर रद्द करोगे, आप यहाँ पे पुनर्वसन प्रकल्प को बंद कर दोगे तो पिछले 40 सालों से जो जिंदगी हम जी रहे वैसी जिंदगी हमको आगे भी जीनी पड़ेगी। तो हम लोग कोई पुनर्वसन के विरोध में नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि विकास धारावी के लोगों का होना चाहिए, ना कि कोई बिल्डर का, ना अदानी का। अभी हमारी सभा वगैरह नहीं है, अभी हम लोगों से डायरेक्टली जाके मिल रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है धारावी के लोग बनाम कांग्रेस पार्टी है। तो धारावी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, धारावी के लोगों को अपने हक और अधिकार के बारे में जागरूक करना,
इसके ऊपर ही आने वाले जो दो तीन दिन हमारे वहां को मिले हैं उसके ऊपर ही हम लोग पूरा उसमें लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को समझा कर यही बताएंगे कि हमको बदलाव करना पड़ेगा, अगर हमने बदलाव नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। चुनाव जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सब लड़ रहे हैं, मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, खाली फॉर्मली मैंने पर्चा भरा है। तो लड़ाई जो है वो धारावी करो की है और ये लड़ाई के लिए हमने नारा भी दिया है कि आप लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। इसके लिए उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, लोगों ने ही मुझे खड़ा किया है और लोग ही काम कर रहे हैं, लोग ही सभा में आते हैं, लोग ही सब प्लानिंग करते हैं, सब कुछ लोग ही करते हैं। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ लोगों के जीवन बदलने का और उसके लिए मैं हमेशा कटिबद्ध रहूँगा। देखिए अभी आपने देखा होगा कि हमारे साथ में पूरा ग्रुप जो ज्वाइंट हुआ, पूरा पढ़े लिखे लोग का एक अच्छा ग्रुप था जो ज्वाइंट हुआ, ना वो ना किसी पार्टी को ज्वाइंट हुआ ना मुझे ज्वाइंट हुआ, वो हमारे विजन को ज्वाइंट हुआ, जो गारंटी हमने लोगों को दी है उसको ज्वाइंट हुआ, धारावी के बारे में हम जो सोचते हैं उसको ज्वाइंट किया, क्योंकि धारावी की हमारी लड़ाई जो है वो धारावी के शौचालय के लिए है, हमारी लड़ाई धारावी के स्वास्थ्य के लिए है, हमारी लड़ाई धारावी के शिक्षा के लिए है, हमारी लड़ाई धारावी के साफ सफाई के लिए है, हमारी लड़ाई धारावी के लोगों को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान मिले ये है, और धारावी के सब परिवार का उद्योग जो है वो धारावी में आधुनिक तरीके से पुनर्वसित करने की है। तो इस लड़ाई में सब लोग जो है, जवान है, बूढ़े है, बच्चे है, सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं।